दिवस के अवसर पर 400 फीट का भारत का मानचित्र तैयार किया जा रहा है। इसका आयोजन सेंट्रल पार्क शास्त्री नगर कानपुर में 15 अगस्त को सुनिश्चित किया गया है। माँ तुझे सलाम फाउंडेशन तथा न्यू दस्तक क्लासेस के विशेष सहयोग के एक विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका श्रेय इन सहयोगी गणों को है, अमित कटियार, सौरभ कटियार, मनोज श्रीवास्तव, चांद सिंह, आलोक सिंह, शशिकांत अग्नोत्री, अमरीश जायसवाल, शरद त्रिपाठी, सूरज आदि। आपको बताना चाहूंगा कि माँ तुझे सलाम फाउंडेशन की तरफ से शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में 400 फीट लंबा और 400 फीट चौड़ाई का एक भारत के नक्शे का मानचित्र बनने जा रहा है। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा, 1976 में 386 मीटर का झंडा मानचित्र बनाया गया था जो बेंगलुरु में स्थित था। तो अभी तक हम ये एक विश्व इतिहास रचने जा रहे हैं जिसके लिए हमारे भाई लोग हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएम महोदय जी के सख्त आदेश के बाद भी नगर निगम के द्वारा मुझे आज तक कोई किसी भी प्रकार की कानून से कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। मेरे भाई लोग जो हैं ये लगातार मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे दस्त क्लासेस के सर श्री विकास पाठक जी और माँ तुझे सलाम फाउंडेशन जो चलाते हैं महमूद मलिक जी और मनोज भैया, तीनों लोग मिलकर एक विश्व इतिहास रचना चाह रहे हैं। तो मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि वो लोग 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे इस अवसर पर आकर हमें हौसला अफजाई करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। यहाँ पर शास्त्री नगर सेंटर पार्क में इतना बड़ा इतिहास रचने जा रहा है, उसके लिए आप भी कुछ होंगे तो मेरा आपसे अनुरोध है आप लोग जरूर से जरूर आए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग लगातार 3 दिन से इस पार्क में केवल पानी निकालने का कार्य कर रहे हैं, नगर निगम के द्वारा हमें लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। डीएम प्रशासन के सख्त आदेश के बाद भी मुझे किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं प्राप्त हुई है। तो मैं आपके लिए 15 अगस्त को शास्त्री नगर सेंटर पार्क जरूर पधारे। जय हिंद, जय भारत।